This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. प्रदेश सरकार द्वारा सेब को मंडियों में किलो के हिसाब से बेचने का फैसला लिया है, वह एक ऐतिहासिक फैसला है तथा इससे जिला किन्नौर सहित प्रदेश के बागवानों को और अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके लिए जिला किन्नौर के बागवानों ने मुख्यमंत्री व जनजातीय विकास एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का धन्यवाद किया है। ये बात प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर सूर्या बोरस ने कही। उन्होंने कहा कि जिला के साथ प्रदेश के बागवानों द्वारा सेब को वेट के हिसाब से बेचने की लंबे समय से मांग की जाती रही है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये ऐलान किया कि सेब जो है अब किलो के हिसाब से हिमाचल में बिकेगा। इसमें मैं प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और विशेषकर हमारे बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी का हम सेब बाउल क्षेत्र वाले आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जो हमारी बरसों से जो एक मांग रही है जो बागवानों के किसानों का कि हमारा जो सेब है उसको जो है किलो के हिसाब से बिके। ये आज प्रदेश सरकार में सुक्की सरकार ने और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने ये करके दिखा दिया है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला आने वाले समय में रहेगा, जहां बागवानी मंत्री जब से कांग्रेस की सरकार आई है लगातार रात दिन, चाहे वो बागवानों के साथ बैठक करना हो, किसानों के साथ बैठकें किया हो और उसके बाद बागवानी के क्षेत्र में जुड़े जितने भी अधिकारियों थे उनसे भी उन्होंने बैठकें की और जितने भी हिमाचल के हमारे बागवानी क्षेत्र से जुड़े संगठन है उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग किया और अंत में जो है बागवान किसान और उनके संगठन, सरकार और जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो आड़त है, लदानी है या कोई कंपनीज हैं, जितने भी इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ मीटिंगें कर करके रात दिन मेहनत करके आज हिमाचल में जो है सेब किलो के हिसाब से बिकने का ये फैसला आया है। 24 किलो बताया है सरकार ने कि मिनिमम जो है पेटी का भार होना चाहिए, अन्यथा क्या होता था इससे पहले हमारे बागवानों को मार्केट में जो 24 किलो के पेटी में 26, 28, 30 किलो तक सेब भर के लूटा जाता था। इससे ये लूट अब बंद होगा और जहाँ यूनिवर्सल कार्टन और अन्य क्रेट और दूसरे विकल्पों पे भी बागवानी मंत्री जो है रात दिन कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में पहली बार बागवानी से जुड़े मंत्री होने का हमें एक बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि बागवानी मंत्री स्वयं समय समय पर बागवानी क्षेत्रों में खुद दौरा करते हैं, खुद सीए स्टोर्स में जाते हैं, खुद मीटिंगों का जायजा लेते हैं और अधिकारियों को भी इन्होंने निर्देश दिया है कि आप लोग जो है ऑफिसों में कम और जो बागवानों के जो बागवानी क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याओं को सुलझाएं। पुनः हम इसका स्वागत एवं धन्यवाद करते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने।
और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने। वर्मा ज्वेलर्स।